व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। ये व्लॉग वीडियो है, मतलब है कि आपको यहाँ पर मैं फिटनेस के रिलेटेड या किसी हेल्थ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं देने जा रहा हूँ। मैं जस्ट आपको एक बेसिक कन्वर्सेशन करते हैं यहाँ पर, एक व्लॉग टॉपिक है, तो मैं सोचा हूँ आज आपके लिए कुछ एंटरटेनमेंट व्लॉग टॉपिक ऐड कर दें। मैं एक्चुअली मूवी देख रहा हूँ और मूवी देखते देखते मैंने सोचा एक क्विक वीडियो बना दें। और मैं मूवी देख रहा हूँ, टाइगर श्रॉफ की मूवी है फ्लाइंग जट। अभी तक तो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, बट एनीवेज तो मैंने सोचा इसको पॉज करके एक वीडियो बना दें। सो टॉपिक क्या है, कौन सा मसल है जो गर्ल्स को या वेमेन को अट्रैक्ट करता है, कौन सा वो मसल है, हम उसकी बात करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मसल्स हैं। सो ऑफकोर्स जो मैं आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से नंबर वन, और नंबर टू मेरी वाइफ के फीडबैक से है। तो इसका मतलब है ये नहीं है कि जो मैंने बोल दिया है वही है, बट दिस इज समथिंग व्हाट आई फेल्ट, दिस इज समथिंग व्हाट आई यू नो बेसिकली, एंड दिस इज समथिंग व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी बेसिकली। सो हो सकता है 10 में से 3 बंदों का या 4 जनों का रिएक्शन कुछ और हो, लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ जैसा बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। सो दो मसल्स को पिक करूँगा यहाँ पर मैं, जो वेमेन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, जब कोई वेमेन या कोई लड़की सबसे पहले किसी मेल को देखती है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी चेस्ट। नंबर वन इज चेस्ट एंड आर्म्स। जी हाँ, चेस्ट एंड आर्म्स, ये रियलिटी है। बाकी सारे मसल्स अगर बोलें आप, एब मसल ऐसे हैं कि यू नो आपको शर्ट उतारनी पड़ेगी, शर्ट लेस, दीज आर सेपरेट थिंग। लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने टी शर्ट पहनी हो, द वेरी फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर आर्म्स एंड चेस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे मसल छोड़कर अब चेस्ट और आर्म्स ट्रेन करेंगे, नहीं। क्या आप वर्कआउट लड़कियों के लिए करते हो? नहीं। क्या आप किसी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए वर्कआउट करते हो? मैं तो नहीं करता हूँ, और ना ही मैंने कभी ये सोचकर शुरू किया है, और मुझे लगता है आप भी शायद नहीं करते होंगे ऐसा। सो अगर जो लोग ऐसा करते हैं, वेल उसका कोई फायदा नहीं है बेसिकली। सो द होल थिंग इज, जब आप वर्कआउट करते हैं तो आप अपनी ओवरऑल बॉडी के लिए करते हैं, अपने आप द कॉन्फिडेंस, अच्छा लगना हर कोई चाहता है, लेकिन द होल थिंग इज हेल्दी रहने के लिए करते हैं, इंटरनल इनसाइड एंड आउटसाइड। सो यू नो अट्रैक्टिव मसल का मतलब ये नहीं है कि यही दो मसल है जो आपने करने हैं। बेसिकली मुझे मालूम है कि अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो मेजॉरिटी में लोग सिर्फ बाइसेप्स ही ट्रेन करते थे, जो भी लड़के जिम के अंदर जाते थे, लोअर बॉडी नहीं लगाते थे, बैक ट्रेन नहीं करते थे, एब्स ट्रेन नहीं करते थे। लेकिन आजकल यू नो एवरीबॉडी ट्रेनिंग entire body, which is perfect. You have to train your body entire top to bottom, no matter kya aapke goals hai. So aapka goals ye nahi hai ki ladki ko attract karna, basically ye goals nahi hai, basically ye to that's separate. So aapke abs ho na ho, you will still get girl basically. So iska matlab nahi hai ki abs six pack honge tabhi aapko ladki dekhegi. Ye sari game separate hai. Almost 100 mein se agar 2 bande sochte honge, लेकिन 98% पीपल दे वर्किंग आउट दे वांट टू लुक गुड बेसिकली। कॉन्फिडेंस लेवल गो अप, दे वांट टू लुक फिट, सो दे कैन वेयर ऑल काइंड ऑफ क्लोथ्स। वो फिट हेल्दी रहना चाहते हैं, दैट्स द होल थिंग। तो वर्कआउट आप करते हैं हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, मेरे ख्याल लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए तो नहीं करते, एंड दैट्स अनदर टॉप ऑन, बोल सकता हूँ एड ऑन है। अगर अच्छी फिजीक है, अच्छे लुक्स है, तो ऑफकोर्स ये तो natural process hai, you know, so you will attract a lot of people, not only girls, you will attract a lot of people basically, so you know just keep working out and make sure you work out entire body. ye nahi ki kal ke schedule mein sirf arms aur chest ho aur baki aap lagana chhod do, aisa nahi hai. ye meri apni feedback thi, maine apni wife se pucha, maine mujhe batao ek question hai, so tell me ki what do you think, kaun sa muscle अट्रैक्ट करता है, इफ़ यू आर अ वेमेन एंड यू लुकिंग फॉर अ गाय, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस। मैंने कहा मुझे एक्चुअली इसका आंसर चाहिए, तो मैंने बताया नहीं, मैंने वीडियो बनानी है बेसिकली। सो एंड उसको पूछा मैंने कि बताओ व्हाट डू यू थिंक
कौन सा मसल आपको मेरे अंदर अच्छा लगता है, कौन सा देखने में? शी सेड आर्म्स एंड चेस्ट. एंड उसका पहला आंसर था कि इफ शी लुक्स समवन एल्स एंड ऑलवेज गोइंग टू बी चेस्ट एंड आर्म्स. बाकी एब्स एंड हाउ बिग योर लेग्स आर, हाउ बिग योर बैक इज, हाउ बिग योर शोल्डर एंड दीज आर फर्दर, ये नहीं कि ये निगलेक्ट करने वाली चीजें हैं, बट ये प्राइमरी नहीं है. द वेरी फर्स्ट थिंग इज दीज टू थिंग्स. सो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस आई थिंक आर्म्स नंबर वन मसल, मेरे ख्याल से आर्म्स नंबर वन है. टाइट टी शर्ट पहनी हो, शर्ट पहनी हो, टैंक टॉप पहना हो, फुल स्लीव शर्ट टी शर्ट पहनी हो, दिस मसल ऑलवेज गोना बी यू नो द वन ऑफ द पॉपिंग मसल. सो ऑफकोर्स That's my experience, but chest is also going to be, you know, you look manly. Chest is all, you know, big chest is always plus, aesthetic chest. Baki abs vagara is going to be further add on. Overall physique is something, the most important thing. So basically, ye vlog video boring ho jayegi. Mujhe lagta hai mujhe apni picture wapas lagani padegi, pause ki hui hai. So I have to, iska ending dekhi lu, hai ke actually abhi to aadhe ghante ki movie chali hai. Chaliye. आज व्लॉग वीडियो इतना ही बहुत है. व्लॉग वीडियो मैंने ऐसे डाल दी. आई नॉट अ काइंड ऑफ व्लॉग गाय. आई कीप यू नो ओनली दोज वीडियोस जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, और फिटनेस और हेल्थ के रिलेटेड. और यही मेरा काम है, यही मैं करता आ रहा हूँ, यही मैं करता जाऊँगा. कभी कभी व्लॉग डाल दिया. आई थिंक व्लॉग वीडियो कितने टाइम बाद आ रहा हूँ मैं. आई थिंक फेब्रुअरी में लास्ट व्लॉग मेरा फेब में था, शायद मेरी एनिवर्सरी में, माय 10th एनिवर्सरी. सो इसमें फेब मार्च में, फब मार्च अप्रैल मई जून, ऑलमोस्ट 4 महीने के बाद एक व्लॉग डाल रहा हूँ. एनीवेज, सो ये नहीं कि कल से आप बाइसेप और चेस्ट ही लगाएंगे. नहीं, ऐसा ना करना. ओवरऑल बॉडी ट्रेन करो. ओके.